आने में तो हमें बीजेपी आएगी। ये सारा का सारा जो खेल है वो खेला ईवीएम मशीन का है। ईवीएम मशीन से ही लोगों एक गद्दारी करके ईवीएम मशीन मैं मानूं तो ये आधुनिक मनुस्मृति है और आएगी तो बीजेपी ही आएगी। दावे के साथ बोलता हूँ कि बीजेपी को उखाड़ने का हम दलित समाज उखाड़ेगा। कौन सी पार्टी ले जाएगी सर इस बार गद्दी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि खेला हो सकता है। मैं मायावती का कार्यकर हूँ, कांशीराम के साथ 25 साल काम किया है। कि आप पार्टी आई है, अभी आप पार्टी भी बाबा साहब का नाम लेके काम कर रही है। जब से मोदी जी और भाजपा सरकार जब से आई है, मुख्यमंत्री में थे, अभी वड़ा प्रधान में बैठे हैं, पीएम में, जब से आप देखेंगे तो रोजगार है ही नहीं। कहा तो था एक साल में 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे। वो 2 करोड़ की बात कहाँ मैं करूँ, 2000 भी नौकरी दी होती ना तो हम मानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनता लाइव और मैं हूँ आपके साथ नलिनी। इस वक्त मैं मौजूद हूँ वडोदरा की संकल्प भूमि पे, या यूँ कहें कि सयाजी राव बाग में। यहाँ कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आज हमें बताइए कि आप यहाँ क्यों आए। जैसा कि हमारे दर्शक जानते हैं कि 23 सितंबर 1917 वो तारीख है जिस दिन इतिहास बदला था, जिस दिन बाबा साहब ने संकल्प लिया था, मगर आज 23 सितंबर 2022 में आप लोग यहाँ क्यों मौजूद हैं? ये संकल्प भूमि है, वो दिल्ली की राजधानी नहीं है, ये वर्ल्ड की राजधानी बनेगी ऐसा है। और हम संकल्प भूमि के अंदर ट्रस्टी है, तो हम तो सबको ये बता रहे हैं कि अब जागो। बाबा साहब ने इतना कष्ट उठाया, अपना फैमिली को घुमाया, 4 लड़के घुमाए, और ये जो अपने को संकल्प भूमि पर उनके आंसू गिरे हैं उसकी कदर करो। हिंदू राष्ट्र बनाने का जो ये बोलते हैं ना, तो हिंदू राष्ट्र बने तो क्या होगा, वो अपनी गांव के पब्लिक को तो कुछ मालूम ही नहीं है। सरकार कहती है हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, लेकिन वहीं आप कह रहे हैं कि दलित आज भी पिछड़ा है, जागरूक नहीं है। एक ओर तो सबका साथ सबको साथ लेकर चलने की बात होती है, सबके विकास की बात होती है, मगर दूसरी ही ओर अगर बात करें तो दलित को हिंदुओं में नहीं गिना जाता। क्यों नहीं गिना जाता? नहीं, ऐसा नहीं है, वो धोखा है। ये जो सबका साथ सबका विकास की बातें करने वाले हैं ना, वो धोखेबाज है, और उसको पहचानने की ज़रूरत है कि ये जो धोखेबाज अपने को समझा रहा है वो गलत है, और गलत को सच्चा बताने की अपनी फर्ज है। हमारे जैसे लोग यही काम कर रहे हैं, मगर हमारी बात को जो समझे ना वो अभी जागरूक हो रहे हैं। ठीक है सर, जागरूक हो रहे हैं। मैं जी। भारत को बौद्धमय बनाने का मैं काम कर रहा हूँ। बाबा साहब ने बोला था कि भारत को मैं बौद्धमय बना के छोड़ूंगा, लेकिन अपनी कमनसीबी है कि बाबा साहब जल्दी चल गए, नहीं तो आज तो सोने की चिड़िया फिर से बनती। आज भारत सोने की चिड़िया नहीं है, क्यों कि ये गद्दार लोगों ने सत्ता लेके अपने को धोखा दिया है। ठीक है सर, गद्दार लोगों ने सत्ता लेके आप लोगों को एक मौका नहीं दिया, लेकिन अब मौका है, 2022 के चुनाव करीब है। क्या गुजरात में सत्ता परिवर्तन होगा? होगा होगा। अभी हम जागरूक करते हैं अपने लोगों को कि तुम हिंदू नहीं हो, ये समझो, हिंदू तुम नहीं हो, तुम तो मूल निवासी हो, ये देश के हुक्मरान तुमको बनना है। कांशीराम साहब ने बोला था कि एक दीवार पर बाबा साहब ने बोला है कि लिख दो कि तुम इस देश के हुक्मरान हो, तो तुम हुक्मरान बनने की ताकत बनाओ, तुम उसके लायक बनो, तो लायक कैसे बनेगा एक हो जाए तो। अपना समाज में एक कमी ये है कि अपने अंदर अंदर लड़ने में जुट रहे हैं, और अपने लोग अपने अंदर अंदर लड़के अपनी ताकत बर्बाद कर रहे हैं। इसकी जगह सब एक हो जाए ना, तो एक घंटे में दिल्ली की गद्दी मिल सकती है। एक घंटे में दिल्ली की गद्दी मिल सकती है। सर, क्या लगता है इस बार जो है विधानसभा चुनाव में बीजेपी कमल दोबारा खिला लेगी? 27 साल से लगातार है बीजेपी। मैं दावे के साथ बोलता हूँ कि बीजेपी को उखाड़ने का हम दलित समाज उखाड़ेगा। कौन सी पार्टी ले जाएगी सर इस बार गद्दी, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि खेला हो सकता है? वो तो क्या है, वो राजकारण की बात में बहुत मैं नहीं बोलूँ, फिर भी आकलन, एक चुनाव आते हैं तो लोगों में बातचीत शुरू हो जाती है, चाय पे चर्चा की, लगता है इस बार जो है राहुल गांधी आएंगे या केजरीवाल आएंगे या मायावती आएंगे, इस तरीके से लोग बातचीत करने लगते हैं। मैं मायावती का कार्यकर हूँ, कांशीराम के साथ 25 साल काम किया है, लेकिन हमारा काम यही है कि लोगों को जागरूक करके अपना वोट ज़्यादा बढ़े, वो काम करते हैं। मैं भी वही काम कर रहा हूँ, लेकिन अभी का जो माहौल है ना, वो माहौल अलग सा है। अलग सा क्यों है कि आप पार्टी आई है, अभी आप पार्टी भी बाबा साहब का नाम लेके काम कर रही है, आम आदमी पार्टी, तो अपना दलित समाज को ये थोड़ा समझ में आया है कि बहुजन समाज पार्टी में वोट देंगे तो जीतेगा नहीं, तो अपना पार्टी का कोई आदमी जीते इसके लिए आपको साथ देंगे, ऐसा माहौल बनता है। तो एक अंदाज तो हो सकता है कि आपका ज़्यादा
इधर वर्चस्व है। आने में तो मैं बीजेपी आएगी, ये सारा का सारा जो खेल है वो खेला ईवीएम मशीन का है। ईवीएम मशीन से ही लोगों एक गद्दारी करके, ईवीएम मशीन मैं मानूं तो ये आधुनिक मनुस्मृति है, और आएगी तो बीजेपी ही आएगी। आरोप लगा रहे हैं कि ईवीएम में खेला होता है। हाँ, खेला ही होता है। बहुत सारे लोगों ने उसका डेमो करके ही भी दिया है कि ईवीएम में गड़बड़ी होती है, ये घोटाला होता है। फिर भी मैं तो सब बहुजन समाज के लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आप अगर एक ही आंदोलन कर दो कि ईवीएम नहीं चाहिए, तो फिर दूसरे कोई आंदोलन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। कौन सी सरकार, क्या लगता है कौन सी सरकार आएगी तो बेहतरी में काम करेगी बहुजन समाज के लिए? बहुजन समाज के लिए चाहे कोई भी, जो मनुवाद के खिलाफ यानी कि जो बहुजन विचारधारा वाली कोई भी सरकार आएगी, तो मैं समझता हूँ कि ये इंडिया विश्व गुरु बन सकता है। सर, विश्व गुरु तो बन चुका है ना, मोदी जी का डंका बज रहा है चारों तरफ, आप कह रहे हैं विश्व गुरु नहीं बना। ये डंका सिर्फ गोदी मीडिया का बनाया हुआ बुगारा है, ये उसके सिवा और कुछ नहीं है। ये मीडिया भी जो लोकशाही के चौथा स्तंभ कहा जाते हैं, वो भी बिका हुआ है, उनके साथ मिला हुआ है। ये भी पब्लिक को गलत रास्ते दिखा रही है। 56 इंच का सीना लेके मोदी जी घूम रहे हैं, उनका विदेश में डंका बजता है। जब से वो सत्ता में आए इंटरनेशनल जो रिलेशन है बड़े अच्छे हो गए। अगर मैं मानूं तो 56 इंच का सिला बहुजन समाज का है। आप जाओ और पहली जनवरी 1818 का जो भीमा कोरेगांव हुआ होता, उनके साथ मिला लो, उनके साथ ही 56 इंच का इतिहास है। 56 इंच वाले हम है, बाकी सब बोल रहे हैं ये गलत बात है। सर, गुजरात मॉडल बनाया उन्होंने? नहीं, गुजरात मॉडल कुछ है ही नहीं। गुजरात मॉडल का सीधा साधा हिंदुत्व के साथ लेना देना है, बाकी और कुछ नहीं। गुजरात से जो बीजेपी, जब जनसंघ से बीजेपी बनी थी, तब पहली जो जिस सीट लोकसभा में जीती थी वो महसाना की थी, और सारे के सारे आज़ादी के लड़वाई जो स्वतंत्र सेनानी भी देख लो, वो गुजरात से, और गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाने चाहते हैं, यही हिंदुत्व की बात कर रहे हैं। मतलब गुजरात को कहीं ना कहीं जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला बना दिया है। हाँ, हिंदुत्व की प्रयोगशाला ही है, और वो जो गुजरात मॉडल बोलते हैं वही है, और कुछ नहीं है। सर, गुजरात मॉडल की दुहाई देते हैं, कहते हैं गुजरात में जैसा काम हुआ है वैसा देश में कहीं नहीं हुआ है। गुजरात में तो रोजगार ही रोजगार है, बाहर के लोग आके रोजगार मिल रहा है लोगों को यहाँ। मैं गुजरात का ही हूँ और गुजरात में ही भी रहता हूँ। यहाँ कितना रोजगार है, क्या है, मैं सब कुछ भली भांति जानता हूँ। ये सब बातें भली बनाई है, बाकी गुजरात में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। दुश्मनी है सर, 27 साल से लगातार मोदी जी हैं, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं। दुश्मनी मैडम ये है कि पहली बात तो ये कि ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद भारत पाकिस्तान जो मुद्दे होने चाहिए इलेक्शन में, महंगाई शिक्षा रोजगार आरोग्य, ये नहीं होते। आप देखना गुजरात में 2022 में जो इलेक्शन आ रहा है, जब नजदीक आएंगे कोई ना कोई ऐसा मुद्दा आ जाएगा जो मंदिर मस्जिद या मुसलमान के बीच में होगा। और एक बात तो ये बोल दूँ, सब लोग बोलते हैं कि मोदी जी महंगाई का मन नहीं बोलते, मैं लेकिन मैं कहता हूँ कि मोदी जी बार बार मुसलमान मुसलमान बोलते हैं। इस देश से जातिवाद खत्म करने की बात कहते हैं लेकिन करते नहीं है। हाँ, मैं ये साफ साफ बोलूंगा ये अपने आपके माध्यम से कि ये बीजेपी रूल्स नहीं कर रही इंडिया में, उसके पीछे बैक सीट में आरएसएस रूल्स कर रही। लगा रहे हैं बीजेपी के खुद के इतने चेहरे हैं, वो क्यों आरएसएस से सपोर्ट लेंगे? उनके सारे के जो गोत्र है, उनके जो गोत्र है वो आप चेक कर लेना, सबके सब आरएसएस से निकले हुए है। यानी बीजेपी रूल्स नहीं कर रही है इंडिया में, अभी जो रूल्स चल रहा है आरएसएस कर रही है। सर, आप चार खामियां गिना दीजिए, मैं मान जाऊंगी कि आप सही कह रहे हैं, चार खामियां आप बीजेपी की गिना दीजिए। सबसे पहले तो ये कि जो मैं बोल रहा हूँ कि अभी जो मुद्दे होने चाहिए वो नहीं होते, जब इलेक्शन आता है तो बोले मुसलमान हिंदू मंदिर मस्जिद पाकिस्तान, ये सबसे पहली खामियां है। उससे बहुत सारी खामियां है, आप देखो गुजरात में से 6,500 जो सरकारी स्कूलें हैं ये बंद करवा रही है, और उसके सामने प्राइवेट स्कूलों वालों को परमिशन दे रहे कि आओ आप शिक्षा का व्यापार करो, ये भी है शिक्षा के लिए। प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, कहीं ना कहीं देश की भलाई के लिए करवा रहे हैं ना। देश की भलाई के लिए नहीं, ये तो खास तौर पे बहुजन समाज है, उसमें से भी दलित समाज पर एक करारा घा है कि ये अनामत ऐसे सीधे सीधे नहीं निकाल सकते आरक्षण, इसलिए उन्होंने प्राइवेटीकरण करके हमारी जो आरक्षण है वो पदे खलास करने की बात करके शिक्षा का अधिकार छीन रहे हैं। हाँ, शिक्षा का अधिकार, इसलिए बाबा साहेब ने कहा था कि शिक्षित बनो, तो ये लोग सोच रहे अगर शिक्षित बनेगा, शिक्षा सवालों को जन्म देती है, जो लोग शिक्षित हो गए
तो सवाल करेंगे। इसलिए ये सरकार चाहती है कि आप शिक्षित ना बनो और सरकार से सवाल ना करो, आप गुलाम बनो। मतलब आप मानते हैं कि बहुजन समाज अगर पढ़ लिख गया तो इस सरकार के सर पे चढ़ के ना जाए? हाँ, मैं भी मानता हूँ और सब लोग भी जानते हैं, लेकिन अभी ये साहब ने जब जैसा बोला कि अभी हमें ये करुणता है कि समाज अभी तक इतना जागरूक नहीं हुआ है। जे ये लोग जितने आए हैं, मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में इन सरकार के सामने एक मृत्यु घंट बजाएगी ये जो पब्लिक है। ठीक है, सर का कहना था कि भैया ये किताबें छीनने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इन्हें डर है कि अगर हम पढ़ लिख गए तो हम आपकी सत्ता हिला देंगे। यहाँ पे हमारे साथ महिलाएं भी हैं, सिर्फ एक बात, एक सवाल लेना चाहेंगे। ईवीएम निकालने के लिए हम आंदोलन करने वाले हैं, ईवीएम निकालने के लिए आंदोलन, क्योंकि गरीबों को मारने का काम ईवीएम करता है। ठीक है, यहाँ पे एक महिला है, हम उनसे बातचीत करेंगे। मैम आपका नाम क्या है? मेरा नाम मीना वेंडा भी है। मीना जी, क्या लगता है इस बार 2022 के विधानसभा इलेक्शन गुजरात में होने वाले हैं, क्या क्या अहम मुद्दे होंगे? जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या सोच कर जाएंगे कि भैया इस बार इस सरकार को क्यों लाना है या क्यों हटाना है? बस हम तो एक महिला होने के नाते मैं यही सोचूंगी कि आगे वाली पीढ़ी पढ़े लिखे और हमारा दलित समाज इतना होशियार है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो बाबा साहेब है वो वर्ल्ड में उनका नाम है, उनके जितनी डिग्रियां किसी के पास नहीं है, वो हमारे समाज के है। मैं दलित समाज नहीं बोलूँगी, हमारे बहुजन समाज है जी। तो हमारा बहुजन समाज का एक बंदा जो आगे इतना आ गया है, तो ये सरकार जो हमारे विरोध की सरकार है, जो हमारे बहुजनों के विरोध की सरकार है, उनको ऐसा है कि यदि ये समाज पढ़ लिख गया तो इनके जैसा कितने बाबा साहेब पैदा हो जाएंगे। इसलिए वो डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट हमारे बहुजन समाज को पीछे लाने के लिए ये प्राइवेटाइजेशन करते हैं, महंगाई भी करते हैं, क्योंकि ताकि जानते हैं कि बहुजन जो भी है ज़्यादातर मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग है। ज़्यादातर मध्यम वर्ग गरीब वर्ग है। अब जो भी महंगाई बढ़ती है, अभी महंगाई है जो भी है, वो सब में मार तो मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग को पड़ता है। शिक्षण की जो होती है स्कूल है, प्राइवेट हो गए, महंगाई के कारण थाली से व्यंजन कम हो रहे हैं, कम हो गया ना, क्यों नहीं। हाँ, लोग दो टाइम, कितने अभी इतने लोग हैं कि दो टाइम खाना नहीं खाते, सिर्फ एक टाइम नाश्ते जैसा खाना खा के भी चलाते हैं। पर रोजगार भी तो है ना मैम, 10 लोग काम कर रहे हैं आपके घर में तो 5 लोग का तो खाना खिला ही सकते हैं ना। कौन सा रोजगार है? कौन सा रोजगार? जब से मोदी जी और भाजपा सरकार जब से आई है, मुख्यमंत्री में थे, अभी वड़ा प्रधान में बैठे हैं, पीएम में, जब से आप देखेंगे तो रोजगार है ही नहीं। मैं ये बोलती हूँ रोजगार है नहीं। आपको एक बता दूं बात की, वादे तो करते हैं, कहा तो था एक साल में 2 करोड़ नौकरियां लाएंगे। वो 2 करोड़ की बात कहाँ मैं करूँ, 2000 भी नौकरी दी होती ना तो हम मानते हैं कि चलो दिया है, भले बहुजन समाज अकेले को ना दे, सबको दे, हम सबकी बात करते हैं, मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग सबको मिलना चाहिए सब। अभी तो फिक्स पगार की बातें करते हैं, अभी आप देखो तो सभी रोजगार, मतलब जो जॉब वाले हैं, नौकरी वाले, परमानेंट गवर्नमेंट वाले सब आंदोलन करते हैं। आप कलेक्टर कचहरी जाओ, आप कहीं भी जाओ तो आंदोलन चालू है अभी। मैम अगर इतनी खराब थी बीजेपी तो 27 साल से लगातार कैसे सत्ता में आ रही है? वो पॉइंट है आपका, वो सही बात है। वो इसलिए है कि जब भी ये ईवीएम मशीन आया, दूसरा ईवीएम तो है ही, लेकिन दो बात होती है कि पब्लिक में झूठा वादा, आज जिसके घर में एक टाइम चूल्हा नहीं जल सकता हो, इतनी तकलीफ हो, उनको झूठा वादा से पटा लिया है और उनको लास्ट टाइम जैसे जब इलेक्शन आता है, वोटिंग डालना होता है, उसके आगे 3-4 दिनों में ये मालूम, हमने देखा है, हमने सब जगह देखा है ऐसा कि लोग ऐसे मध्यम वर्ग गरीब वर्ग ऐसे जहाँ रहते हैं वहाँ से इलेक्शन में वोट डालने भी नहीं जा सके वैसे कर लेता है वो लोग, पैसा दे के, कपड़े दे के, कुछ भी दे के उनको झांसे में ला लेते और वोट नहीं डालने जाते। तो झांसा तो हर पार्टी देती है ना मैम, हर पार्टी आती है तो घोषणा पत्र लाती है। मैं ये नहीं बोलती हूँ, लेकिन ये पार्टी जो है सत्ता की लालची है, उनको पब्लिक की कुछ पड़ी नहीं है, उनको पब्लिक की कुछ पड़ी नहीं है। आज पीएम है, पीएम बोलते हैं मैं ये करूंगा वो करूंगा, लेकिन जब से मुख्यमंत्री में भी थे उनके जितने भी वादे किए अभी तक कोई पूरे नहीं हुए। तो ये थी यहाँ के लोगों से बातचीत, और चुनावी बातचीत पर उन्होंने सिर्फ एक ही बात कही कि भैया महंगाई हमें मार रही है और इस बार हम भाजपा को नहीं आने देंगे।